धोखा देने वालों का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। आप निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे तो इतिहास रचने का काम किसान तो अन्नदाता है, अनाज उगाते हैं, लेकिन ये सरकार उनके लिए जो है वो कीड़े उगाने का काम करती है। हमारे साथ हैं गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद। मैं उनसे जानना चाह रहा हूं कि अभी जो राज्यसभा चुनाव हुआ है उसमें जो क्रॉस वोटिंग पड़ी है, आखिर अखिलेश को किसने धोखा दिया? देखिए, किसी ने धोखा नहीं दिया है। जनता साथ में है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, और जनता वोट करती है, जनता परिवर्तन चाहती है और जनता परिवर्तन निश्चित तौर पर करेगी। नहीं, जो 7 लोग आपकी पार्टी के क्रॉस वोटिंग किए हैं उसके विषय में क्या कहना? देखिए, धोखा देने वालों का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सम्मान पाते हैं वो उनको धोखा देने का काम करते हैं, तो ये जनता अच्छी तरह से समझ रही है। जनता और उत्साह के साथ वोट करेगी समाजवादी पार्टी को। आप देखिए, एक मनोज पांडे आपके विधायक रहे हैं अभी भी, उनको मुख्य सचेतक बनाया था विधानसभा में सपा ने, उसके बाद भी सुनने में आ रहा है उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग किया, तमाम वरिष्ठ सपा के कार्यकर्ता थे उसके बावजूद भी उन्हें मुख्य सचेतक बनाया गया था, क्या कहना? जिन्होंने जो किया है वो अपनी करनी खुद भुगतती है, जनता उनको जवाब देने का काम करती है। जनता ही जनार्दन है इस चुनाव के। इस चुनाव निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे तो इतिहास रचने का काम करेगा। निश्चित तौर पे चुनाव जितनी भी धांधली करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और अभी हर तबका इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परेशान हो चुका है, चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, कर्मचारी हो, महिला हो, छोटी बच्चियां हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, किसानों के लिए देखिए कैसे सरकार कीले उगाने का काम कर रही है, कांटे बिछाने का काम कर रही है। किसान तो अन्नदाता है, अनाज उगाते हैं, लेकिन ये सरकार उनके लिए जो है वो कीले उगाने का काम कर रही है। बहुत निंदनीय है ये घटना। दूसरी बात, विद्यार्थी इनके राज में परेशान है। अभी आपने देखा पुलिस भर्ती लीक का जो पेपर, जो सारा घटना हुआ, क्या ये करना चाहेंगे? हर बार ये पेपर लीक करते हैं। सरकार आवेदन तो लेती है, जानबूझकर पेपर लीक होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार हर किसी को प्रताड़ित करने के लिए आमदा हो चुकी है। ये अत्याचार अब जनता नहीं सहन करना चाहती है। जनता निश्चित तौर पर परिवर्तन करना चाहती है, क्योंकि जनता अच्छी तरह से जानती है कि गरीब माता पिता अपने बच्चों को नून रोटी खाकर पढ़ाते लिखाते हैं कि कहीं कुछ नौकरी मिले, कोई अधिकारी बनेगा, पुलिस में भर्ती हो जाएगा, नाम रोशन करेगा जिला जवाहर पाटीदार का। लेकिन ये सरकार हर प्रतिवर्ष जो है आवेदन तो लेती है, मोटी फीस भी लेती है, और उसके बाद परीक्षा नहीं करती। परीक्षा हो भी जाए तो इस तरह से पेपर लीक हो जाता है, और उसके बाद समझो कि परीक्षा अच्छे से भी हो जाए तो रिजल्ट घोषित नहीं करेगी, रिजल्ट घोषित भी हो जाए तो भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट कचहरी के माध्यम से लटकाने का काम करेगी। अभी आपने देखा पुलिस भर्ती में कितना घोटाला हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है कि पुलिस भर्ती में 400 रुपया आवेदन फीस, उस फॉर्म को भरने का 150 रुपया, एडमिट कार्ड का 10 रुपया, 560 रुपया तो ये हो गया। बाकी अगर खर्चे मोटे मोटे सारे खर्चे पकड़ लिए जाए तो देखिए, सीधा सीधा ये सरकार ने, क्योंकि 70 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, सीधा सीधा ये सरकार ने 500 करोड़ का घोटाला किया है, सीधा सीधा। लेकिन ये सवाल पूछने वाला कोई है नहीं। सरकार ने कहा निरस्त कर दे रहे हैं, उसी फीस पर फिर से परीक्षा करवाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, 6 महीने बाद ना, चुनाव बीतने के बाद ना, इनका क्या भरोसा है? क्यों अभी नहीं? योगी जी को खुद को, या जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि ये घोटाला हो रहा है तो परेशान है विद्यार्थी, तो अभी इन्होंने अभी क्यों तुरंत नहीं कर दे रहे, क्यों लॉलीपॉप दे रहे कि अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ कि बल भर कूट दो किसी बच्चे को, कूट दो अच्छे से, और बेटा अच्छा ज्यादा कूटा गए, 6 महीने बाद हम आपको एक लम चूस देंगे, हम 6 महीने बाद आपको एक लॉलीपॉप देंगे, कैडबरी देंगे, बेटा चुप हो जाओ, ये है क्या? और भारतीय जनता पार्टी के और नेता, जैसे हमारे यहाँ के वर्तमान सांसद जी, उनका ट्वीट आता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फैसला जो है स्वागत योग्य है, मतलब अच्छा बेटा तुझे बलभर कूट दिया, हाँ तो मुख्यमंत्री जी तुझे लॉलीपॉप देंगे, एक लमचूस देंगे 6 महीने बाद, बेटा स्वागत योग्य जो इनका फैसला निर्णय है। जनता को मूर्ख समझते हैं। अभी अभी एक महिला आई थी, ये उन्हीं का है मेरे पास, अभी अभी एक महिला, परेशान महिला, उनका आई थी, देखिए ये इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके साथ जो है शोषण हो रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए इन पर धारा भी लगी है उन पर, और उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये देखिए 376 की धारा लगने के बाद भी वो इंसान यहाँ से भागा हुआ है, मुकदमा दर्ज कर दिया, कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस लोग आपके पास आ रहे हैं, सुनवाई नहीं है,
है बाबा जी के दरबार में ये महिला गई थी, हमारी बहन सरोजा निशान जी है, वो बाबा जी के दरबार में गई थी, कोई सुनवाई नहीं है, शासन प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं है, क्यों हमारे पास आती है महिलाएं, क्यों वो बोपलापुर का ताल सब पाट रहे थे दबंग लोग भारतीय जनता पार्टी के, क्यों सारी महिलाएं हमारे पास आई दौड़कर। और मैं वहां गई, मैंने वो का निर्वाण कार्य जो उन्होंने किया था सार्वजनिक ताल पर, कुछ दबंग भारतीय जनता पार्टी के अपना निर्माण कार्य शुरू कर चुके थे, ताल पाट रहे थे, अब ग्राम जनवासियों का है तो वहां या तो विद्यालय बन जाए, पार्क बन जाए, बच्चों के लिए कुछ काम आ जाए, या कुछ शादी ब्याह दिखाने के लिए कुछ हॉल बन जाए। लेकिन वहां मैं गई, मैंने आवाज उठाया, उनका निर्माण कार्य ध्वस्त कराया, गिट्टी मिट्टी उठाया और 2 लाख की पेनल्टी भी लगा दी। तो इस तरह के काम में गांव की प्रधान भी नहीं हूँ, उसके बाद भी मैं लड़ने का काम करती हूँ जो जनता के मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ती हूँ। एक निषाद पार्टी है, वो कहते हैं कि हम जो है गॉडफादर ऑफिसर मैन है, तो वो लोग क्या निषाद लोगों के लिए साथ नहीं दे रहे क्या? देना चाहिए, निश्चित तौर पे उनको देना चाहिए, बिल्कुल निषाद समाज के महामना है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको साथ देना चाहिए। मेरे ख्याल से वहाँ तक अगर मामला पहुँचेंगे तो शायद वो साथ दे। अच्छा, मामला होता पहुँचाएंगे? अभी तक तो पता नहीं मुझे, क्योंकि ये बहन सीधा मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि ये सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है बहन, मेरा ये कर दीजिए, आप हर महिला की आवाज़ उठाती हैं, आपने खोराबार में जाके महिलाओं ने बुलाया तो 600 घर रोकने का काम आपने किया, जो बुलडोजर चल रहा था बाबा जी का, तो वो आपने लड़ाई लड़ी, ये लड़ाई लड़ाई और भी अन्य लड़ाई आप लड़ने का काम कर रही है, एक और भाई को प्रताड़ित किया जा रहा था उनकी लड़ाई लड़ी, आप पुलिस वालों को हेलमेट पहना दे रही है, तो आप सारी लड़ाई जो लड़ रही है शासन प्रशासन के खिलाफ, तो शायद ये मेरा मामला की सुनवाई आप कर दीजिए, इस समस्या का समाधान कर दीजिए, हम प्रताड़ित हो रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे इनकी सुनवाई होनी चाहिए। और शर्म आनी चाहिए कि योगी जी के गढ़ में महिलाएं परेशान हैं, जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नारी बंधन अधिवेशन की बात करते हैं, नारी बंधन हम बिल लेकर आए हैं, हम आरक्षण देने का काम करेंगे, और महिलाएं हमारी पूजनीय हैं, देवी है, इस तरह से बोलने का काम करते हैं, और नारी परेशान है। इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में अगर आप देखेंगे तो प्रोफेसर ये कहते हैं बच्चियों को कि छात्राओं को कि हमें खुश कर दो तो हम आपको टॉप कर देंगे। शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। एक पूजा पाल आपकी पार्टी की हैं, जब उनको बहुत ज़्यादा संकट से गुजर रही थी तब सपा ने उनको साथ दिया था, और उनके मामले में भी कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग की, क्या कहना चाहेंगे? पहला है समाजवादी पार्टी ने हर किसी को साथ दिया, प्रवीण निषाद जी समाजवादी पार्टी से ही जीते थे, हर कोई समाजवादी पार्टी से लाभ तो ले लेता है लेकिन फिर गद्दारी करने का काम करते हैं, उनको जनता जवाब देगी निश्चित तौर पर। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हुआ क्रॉस वोटिंग, क्या आपको ऐसे लगता है कि मतलब वहाँ भी सरकार कांग्रेस की चली जाएगी, मतलब जो स्थितियाँ बनी हैं वहाँ पे, क्या एक राज्य की सरकार और गिरेगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ केंद्र में मोदी जी की सरकार को 10 साल हो गए और यहाँ पे राज्य में योगी जी की सरकार को 7 साल हो गए। इन्होंने कहा था कि हम 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं हर जगह पूछने का काम करती हूँ कि पड़वैया लेका लेकी होगी, केहू की सरकारी नौकरी मिलल भाई सरकार में 10 साल के केंद्र की सरकार में, राज्य की सरकार में, हर कोई कहता है कि नहीं मिला, तो इनकी करनी और कथनी में जो जमीन आसमान का फर्क है ना, इससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई कितना भी क्रॉस वोटिंग करे, कोई कितना भी गद्दारी करे, जनता सरकार को जवाब देने के लिए निश्चित तौर पर तैयार है। ये काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का भी व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव है। जनता जवाब देने का काम करेगी। जो महापौर चुनाव में मेरे साथ धांधली हुई, जो चंडीगढ़ चुनाव में जिस तरह का हमने देखा है, चंडीगढ़ अब हुआ, पहले ही मेरे साथ चंडीगढ़ हो चुका था यहाँ पे, ये सारी जनता देख रही है चीज़ें, जनता तैयार है सरकार को जवाब देने के लिए। 2024 का चुनाव निश्चित तौर पर इतिहास रचेगा। जिस तरह से अन्य दलों में सपा हो चाहे कांग्रेस हो, भगदड़ मची है, भाजपा में लोग जा रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि अकेले भाजपा ही रह जाएगी? रहना चाहिए ना, भाजपा को अकेले ही रहना चाहिए। मोदी जी यहाँ पे लोकतंत्र खत्म कर कर राजतंत्र स्थापित करना चाह रहे हैं, तो हमारी जनता जो है वो बिल्कुल समझदार है, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि 2024 में अगर मोदी जी आ गए उसके बाद भारत में चुनाव नहीं होगा, चुनाव होगा ही नहीं। सारे सरकारी संस्थानों पर जो इन्होंने अधिकार जता दिया है, जिस तरह से ये हर चीज़ में धांधलियाँ करते हैं, हर किसी को खरीद रहे हैं, तो अकेले रहे फिर विपक्ष की क्या जरूरत है? जैसे अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर में भी ईडी ने छापा मारा था आपके सपा नेता पर, और अभी अखिलेश जी को भी सीबीआई ने समन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो पूरे भारत की तो छोड़ दीजिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ घोटालों की भरमार है, भंडारण है घोटालों का।
मैं सिर्फ अगर गोरखपुर की ही बात करूं, बाबा जी की सरकार है, मैं बात करना चाहती हूं कि गोरखपुर में जो रोड बन रहा है, गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ का जो रोड है, फोर लेन जो, मात्र 90 किलोमीटर की जो सड़क है वो 6,000 करोड़ में बन रही है। इतना रुपया, उसके बाद भी पूरी नहीं बन रही है, तो रुपया कहाँ जा रहा है? ईडी वहाँ जाकर जाँच क्यों नहीं करती है? गोरखपुर में अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलेजें बन रही है, कहाँ से बन रही है? वो कहीं 6,000 करोड़ रुपया जो बचा लिया है या पचा लिया है उससे तो नहीं बन रही है? निश्चित तौर पे ईडी जाके जांच करें। ये जो नौसढ़ से लेकर बनारस वाला जो रोड बन रहा है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 10 साल में भी अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं पूरा हुआ? कहाँ हो रहा है घोटाला? ईडी जाके जांच करें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सड़कों के नाम पर, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के नाम पर, बड़े बड़े कॉलेज के नाम पर, और ये हमने ये कर दिया, हमने वो सारा सुंदरीकरण कर दिया, ये स्वच्छ कर दिया, सारी चीज़ें कहाँ जा रही है? बड़े बड़े चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों की दुकान तोड़ी जा रही है, घर गिराए जा रहे हैं, और उनका मुआवजा भी उचित उनको नहीं मिल रहा है, मुआवजा मिल ही नहीं रहा है। कहाँ ये सब घोटाला कर रहा है? इसकी ईडी जाँच क्यों नहीं करती? कभी भी ईडी को आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर जाकर उन्होंने रेड डाली हो? क्यों भाई, क्यों? काजल निषाद जब से यहाँ घोषित हो गई है प्रत्याशी, तब आप हर समाज को, हर तबका को परेशान कर रहे हो कि क्योंकि आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है यहाँ पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही। क्यों? डरी हुई है, कर दे प्रत्याशी घोषित, जनता उनको जवाब देने का काम करेगी। हम तो कहते हैं वर्तमान जो सांसद जी वही आ जाए प्रत्याशी बनकर, पता तो चल जाए कि वही प्रत्याशी, हमें तो पता चले कम से कम, हमें ही नहीं पता कौन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के। दूसरी बात, पता करने की कोई आवश्यकता भी नहीं, काजल निषाद को कोई आवश्यकता नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सामने कोई भी आ जाए, सांसद जी आ जाए, मुख्यमंत्री जी आ जाए, खुद प्रधानमंत्री जी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ती हूँ और ऐसे ही लड़ूंगी। आपका कहना है कि जो लोग गद्दारी राज्यसभा चुनाव में किए हैं जनता उनको सबक सिखाएगी, और भाजपा जो भी काम कर रही है ईडी या सीबीआई की अपने दल में नहीं कर रही है, जबकि उसके ही दल में, उसकी ही सरकार में तमाम घोटाले हो रहे हैं, लेकिन वो विपक्ष को परेशान करना चाहती है, जनता सब देख रही है, इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में उसको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।